हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों। तो आज हम आपको सिखाएंगे ब्लॉक प्रिंटिंग, वो भी आसानी तरीके से। इसके लिए हमें आलू का यूज़ कर रहे हैं ब्लॉक प्रिंट बनाने के लिए। तो पहले मैं आलू से डिज़ाइन तैयार करता हूँ, उसके बाद अब देखिए शेप तैयार होने के बाद मैं ब्लॉक प्रिंट चालू कर रहा हूँ। अभी देखिए हल्का सा दबाना होता है, कलर में डिप करो पहले, उसके बाद हल्का सा दबाओ, गैप दे देके इसको थोड़ा सा बॉर्डर के बना लीजिए ताकि हमारा दूसरा डिज़ाइन कवर हो जाए और वहाँ पे दूसरे डिज़ाइन की जगह बन जाए। ये देखिए हल्का सा दबाइए और आपका छप जाएगा ये। अब देखिए इसको आसानी से कैसे हो रहा है। अब ये मैं ऊपर की बेल बना रहा हूँ, ये ऊपर का पैटर्न। गैप देना जरूरी है दोस्तों, गैप देने से ही ग्रेस आएगी। ये ऊपर बूटियों का पैटर्न तैयार हो रहा है। ये गैप में मैंने बूटियां डाली हैं। अभी आपको मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। आग देख पा रहे हैं, आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें हमें ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ पत्तियों के लिए और डंडी के लिए। मैंने ब्लॉक बनाया है, ये देखिए ग्रीन कलर। ये मेरा बॉर्डर तैयार हो रहा है सूट का, आप देख रहे हैं। ये मैंने बॉर्डर तैयार कर दिया है इसका, और अब ये मैं बूटी के नीचे पत्तियां लगा रहा हूँ। ये देख पा रहे हैं आप, ये बूटियां मेरी तैयार हो गई हैं। और मैंने आलू का इस्तेमाल किया है इसमें ब्लॉक के लिए। एक आलू लिया है मैंने और आलू के ऊपर कटिंग करके ब्लॉक को तैयार किया है। बिल्कुल आसानी से बन जाता है ये कलर में डिप करके, और आपने ये ऐसे इसको इस्तेमाल करना है। आपकी ब्लॉक पेंटिंग आलू से ही तैयार हो जाएगी। आलू हर जगह हर घर में होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आलू के दो पीस काटिए और उस पर डिज़ाइन ड्रॉ करके चक्कू की हेल्प से कटिंग करके डिज़ाइन बनाएं, आपका ब्लॉक तैयार हो जाएगा और ब्लॉक पेंटिंग भी आप आसानी से कर पाओगे। बिल्कुल इजी तरीका है ब्लॉक पेंटिंग का। ब्लॉक बड़ी बड़ी सिटियों में मिलते हैं, हर जगह पे ये उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए मैंने आलू से ही ब्लॉक तैयार किया है। और आप देख रहे हैं मैंने आलू की सहायता लेकर के ब्लॉक पेंटिंग तैयार की है। ये देखिए बॉर्डर और बूटियाँ, ब्लॉक पेंटिंग तैयार हो गई।